हेलो गाइस, नमस्कार बंधुरा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैशाखी हियर एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। ओके, ऑल ऑफ यू बांगाली बंधुदेर जानाई आमी हैप्पी पौष पार्वण एंड मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, एवरीथिंग। ओके, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग दिस मकर संक्रांति और पौष संक्रांति और पौष पार्वण इन द एवरी रीजन एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया विथ अ डिफरेंट डिफरेंट नेम। ओके, इन साउथ इट्स कॉल्ड पोंगल एंड इन ईस्ट और एट वेस्ट बेंगल वी आर कॉलिंग इट पौष पार्वण और पौष संक्रांति। साम हाउ इन महाराष्ट्र इट्स मकर संक्रांति एंड अदर साइड इट इज़ लोहरी। ओके, सो हैप्पी फेस्टिवल्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो आप लोग जहाँ से भी देख रहे हो, आप लोग मैं आशा करती हूँ सेलिब्रेट कर रहे हो। तो जैसे कि होता है बंगाली में, हम जो भगवान है हमारे घर के भगवान को हम भोग अर्पित करते हैं, नहीं और उसके साथ हम इसको पीठा बोलते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो पाटी सापटा पीठा। ओके, सो हमको इसको एक स्वीट डिश होता है, इसको भी हम भगवान को एज अ प्रसाद अर्पित करते हैं। ओके, सो पाटी सापटा पीठा हाउ वी आर मेकिंग, आपको अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं बता दूंगी। चलो लेट्स डू इट। दूध पुली, सो दूध पुली हम कैसे बनाते हैं, राइस पाउडर जो है ना उसको वार्म वाटर में, जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंधते हो ऐसे गूंधना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे हाथ से ऐसा करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर पूर, हाँ स्टफिंग, पूर मतलब स्टफिंग देना पड़ेगा। स्टफिंग में हम दे रहे हैं थोड़ा सा गुड़ एंड उसके ऊपर नारियल। ओके, नारियल और कोकोनट डस्ट, कोकोनट दे के हम इसका जो मुंह है बंद करेंगे, थोड़ा सा सुंदर सा शेप देने की कोशिश करेंगे जिसको हम डिज़ाइन बोलेंगे, तो देखने में भी अच्छा लगता है एंड खाने में भी बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि देखने में जो चीज़ सुंदर होती है तो हम खाने में भी सुंदर होते हैं ऐसा सोचते हैं ना। सो ये ऐसे बन रहा है, समझ गए ना आप। स्टफिंग में हम जा गुड़ और जागरी यूज़ किया एंड कोकोनट यूज़ किया। ओके, सो आफ्टर दिस इट्स लुकिंग लाइक दिस, दिस इज़ फाइनल टचअप। ओके, इसके बाद मैं इधर जो मिल्क है उसको मैं बॉयल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मिल्क को बॉयल कर करके थोड़ा सा थिक बनाना पड़ेगा। थिक बन जाने के बाद मैं इस पे डाल दूंगी जो हमारा पुली है, इट्स कॉल्ड दूध पुली। सो हमने इतना देर तक पुली बनाया, जो राइस फ्लावर एंड उसके अंदर स्टफिंग है उसको हम अभी दूध में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दूध बॉयल करके थिक कर लिया, अभी उसको और बॉयल करके, हाँ पुली भी बॉयल हो जाएगा। सो ये बन गया दूध पुली। ओके, बंगाली में और बंगाल में हम इस स्वीट डिश को खाते हैं, पौष पार्वण में बनाते भी है, भगवान को भी देते हैं, खुद भी लेते हैं। ओके, सो मैं जैसे कि आप जानते हो पुणे में हूँ, सो पुणे में एक फ्ली और एग्जीबिशन मार्केट विच इज़ पॉपुलर विच इज़ कॉल्ड पुला। सो पुला बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय सम ओमेन, बिजनेस ओमेन। ओके, सो इस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हो रहा था एलिप्रो सिटी मॉल पे, एंड पर्पस क्या था, मकर संक्रांति वॉज द पर्पस। तो संक्रांति है, घर में जो कुछ भी किया तो किया, अभी चली गई मैं मेरे फ्रेंड के साथ मकर संक्रांति पूला एग्जीबिशन जो है उसको एंजॉय करने के लिए, क्योंकि घर में हमने भगवान को खीर चढ़ाया था, हो गया हमारा भगवान का भी काम, एंड हम खुद के लिए जो मैंने बोला दूध पूली एंड पाटी सापटा स्वीट डिश जिसको हम बंगाल में पीठा बोलते हैं उसको भी मैं बना लिया टू सेलिब्रेट संक्रांति। एंड आफ्टर दैट वी केम इनटू दिस एग्जीबिशन विच इज़ कॉल्ड पूला। सो मैं आशा करती हूँ आप सब लोग इन्जॉय कर रहे हो आपका संक्रांति। सो आई एन्जॉय द लॉट, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विथ यू। एंड इन महाराष्ट्र फॉर मकर संक्रांति जिसको हम काइट्स बोलते हैं और घुरी बोलते हैं बंगाली में, मकर संक्रांति पे इधर काइट्स भी लोग उड़ाते हैं, ठीक है, काइट्स फेस्टिवल भी होते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा मकर संक्रांति महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करके। आप लोग कैसे कर रहे हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड एन्जॉय सम ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ दिस ब्यूटिफुल लेडी। Thank you.
तू एक चांद की रस्ती में जल पर उतरना है, तू बनके बनके चलना दरिया ना छोड़के। ओ माया माया गुलाबी तारे फूले सारे, माया माया तू सबक